राम राम भाई राजू। तो भाई आज है पुरू का सीबीएसई क्लस्टर बैडमिंटन अंडर 14 मैच। सुबह ही उठे 6 बजे, नहा धो के तैयार होके पढ़ के आए हैं बिल्कुल। अब अंदर जाके मैच खिलवाना है पुरू को, नाश्ता पानी बाद में करेंगे। और पूरी तेजी है फिलहाल, पंडित जी देखो सेट हो रहे हैं पूरे अंदर जाने से पहले। रेडी है भाई पुरु? अच्छा yes. नींद आ रही साले, मैं इससे पहले ही जवाइयां ले रहा। खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, जीत के आना है वो। ठीक है, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री। मिलते हैं भाई अंदर जाके। तो भाई एंट्री कर रहे हैं बीआरबी मॉडल स्कूल में। हाँ भाई, भेड़ पी? ओ भेड़ पी, तैयारी है फिर पूरी? मुझे ऐसा लग रहा है 2-4-5 मैच हो दिए। यक्कत एकदम दीवाने हो जाए सोता देखते ही, गैल उंगलियां अंगली बना दें ही करके। कोई नहीं भाई, मजा तो आता ही है यार देख करके सबको। यूपी नगर राज्य डायमंड संस्कृति एजुकेशन। यस भाई, यहाँ रुके थे, क्या नाम है भाई रेस्टोरेंट का? रॉयल स्पाइस। रॉयल स्पाइस, तो यहाँ रुके भाई, बिल आया हमारा 189 रुपये का। हमने 90 से दे दिए, कहा 100 तू मिला दे यार। हाँ सही, इधर मिला दूंगा। मिला देगा? रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी, तो मना कर रहा था यार तू। रिकॉर्डिंग में कह रहा मैं मिला दूंगा सर। देखा मिला था वीडियो में, देख कैमरा देखो कितना नाक लगा रहा है। नाम बता अपना, क्या है? नहीं, मेरा नाम सर्वेश है। अच्छा, कहां से हो? उत्तर प्रदेश से। यूपी 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 हम भी यूपी से हैं। यूपी में कहां से हो? यूपी में, भारत भारत में से हैं। कहां बता, गांव का नाम? बरेली से। बरेली तो अमेरिका में है। अमेरिका में है तो अमेरिका के। अच्छा, इंग्लिश में बात करो फिर। कचोली बॉडी दिस गुड इन एम आगे आगे और वाई कोडे से नहीं डॉट ओके फिर नो वी यू गॉट कैश सुमर इसके बाद और वो बड़ी इन कौन दिस सुमर इज थर्ड इन अगर कांड। तो भाइयों खेल बहुत देखे लेकिन ऐसा खेल नहीं देखा। हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं, लेकिन बिना खेलने जीतने वाले को क्या कहेंगे पूरे राज। ऐसा हुआ भाई, हमें मिल गया वॉक ओवर, जिसके साथ मैच था वो आई नहीं। तो अब हमारा भांजा जा रहा सीधा नेशनल, और वो कब जाएगा ये आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, आगे बता भी देंगे, जल्दी आएगा वो टाइम भी। तो हम जैसे वहाँ से निकले वापस, रास्ते में कुछ हमने ऐसा कुछ कैप्चर नहीं किया, लेकिन इज्जत के साथ हम दोबारा पहुँच गए इज्जत नगर। और इज्जत नगर पहुंचने के बाद हमारा मन था, क्योंकि हमें मोमोज बहुत पसंद आए यहाँ के, और आज हमने ऑर्डर किया साथ में पास्ता वगैरह भी। तो अभी यहाँ खाएंगे पिएंगे और फिर देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। जाना तो घर ही, अगर कहीं बीच में मन कर गया पुरु का फिर मैगी खाने का, क्योंकि पुरु कह रहा मैं सिर्फ मैगी खाऊंगा, मेरे को वही पसंद आई है। इधर देख के बोल, मेरे को भी आई है, मैंने टेस्ट की थी तेरे साथ तो मेरे को भी आई है। आप क्या खाओगे राघव? मैगी, ओनली मैगी। मैगी से इतना प्यार है ना बालकों को, मैगी मैगी मैगी। तो बूढ़े लोगों को भी है हमारे सामने बैठे। बूढ़े लोग बता दिए तुम्हें, बाल ही तो थोड़े से कम हो गए मामू, बूढ़ा थोड़ी है, देख रहे तुम बच्चे भी छोड़ नहीं रहे आजकल। अक्की डार्लिंग है अपनी, कोई चक्कर नहीं है। तो थोड़ी ना हूँ आपकी डार्लिंग? क्यों नहीं है, तू पहले है, वो तो जो आएगी वो आएगी। पंडा जी कर रहे वहाँ ऑर्डर, और ये भाई कॉक दिखाओ पंडा जी, इस कॉक का रहस्य क्या है इन्हें बताओ। ये कॉक जो है हम कल जाते हुए यही भूल गए थे। क्या करा था हमने पुरु बताएगा है? कल क्या हुआ था इसके साथ? हमने बताया क्या करा भाई, हमने निकाली, मामा ने कहा कि यहाँ ठंडी हो जाएगी और हम यही भूल गए। तो अब हमें याद था कि हम भूले हुए हैं, तो देखो हमारी कॉक रखी भाई, ईमानदारी देखो, पीने को भाई लोग पी भी सकते थे। देखो यहाँ पे इज्जत नगर में इज्जत से काम होता है। हाँ। ठीक है जी, इज्जत है हमारी, इज्जत भी है और ईमानदारी भी है। तो यहाँ पे कोक हमारे को बची हुई मिल गई कल की हमारी, जो यहाँ पे फ्रिज में रखवा गए थे। और जो अंदर रेस्टोरेंट और रॉयल चैरियट है वो मैंने तुम्हें कल दिखाया था, रोज रोज देख के क्या करोगे, आज हम खा पी लेते हैं। वैसे बढ़िया कैफे है भाई, एक नंबर। छोड़ दिया है राशन, ये देखो कैसे खाली प्लेट जैसे, और अभी और ऑर्डर किया हुआ पिज्जा और 2 खाली पूरी ने मैगी, और अभी कह रहा है एक और चेरी, अरे और चार ही एक।
है भाई मैगी टॉप। कैसी है मैगी? अरे बताया कर ना मैगी कह रहा पूरा टॉप। पास्ता भी टॉप पे है और क्या टॉप पे है सारी चीज बढ़िया ही है। हाँ। चाय भी टॉप पे है और सर्व भी अच्छे से करते हैं। हाँ। प्रेजेंटेशन अच्छी है। इज्जत में यार मैं आपकी इज्जत होगी। इज्जत दी जाती है और ले भी जाती है। लेने का काम नहीं है। देखो नहीं हम देते भी है और लेते भी है। अब हम किसी को देते हैं तभी कोई दूसरा हमें देता है। बहुत बढ़िया वाह मेरे बच्चे राजे वाह। आप राजे अच्छा आप राजे। आप इतना राशन हमने खाया फिर भी 1000 के अंदर अंदर हमारा बिल आया तो मेरे भाई पेट भी भर गया और पैसे भी बच गए। समझ रहे मतलब दो बालक बालक कहने को है खाते जवान के बराबर है क्योंकि हमने बच्चे हैं धकड़ू दबा के और हम तीन बड़े थे तो देख लो 1000 रुपए में 5 बंदे छक्के तो दोनों को एक जगह लगा लो 4 लगा लो तो बहुत है बढ़िया है यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बावजूद भी देखो राशन और भी आया है पानी की बोतलें शोतलें तो मेरे भाई रेल कैफे एक नंबर। भाई थकान होगी राज्य बहुत ये हमारे सतनाम पाजी ओ पाजी नंगा पुंगा पिया होया था कैमरा पाजी आगे में उठाने थकान बहुत हो रही थी पर पाजी कह रहे रोटी खा के रामलीला चलना है दोबारा क्योंकि रोज आ रहा आनंद पूरा रामलीला में तो जाना पड़ेगा अब क्या करें। पाजी ने तो रजाई रजाई उठा दी ऊपर से आगे ये हमारे सतनाम भैया कुछ कहना चाहोगे भैया हमारे दर्शकों को? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे आप फटाफट कपड़े पहनिए। आप क्यों बता रहे कि मैं नंगा खड़ा हूँ? दर्शकों को पता है कि ये पक्का नंगा तो ठीक है भाई हम मिलते हैं रामलीला से आगे और रामलीला में दिखाएंगे तुम्हें क्या चल रहा है। हाँ रामलीला में मिलते हैं पूरी वीडियो मॉर्निंग पूरी ठीक है नहीं नहीं पैर में कपड़े ओके बाय। तो राज्य बधाइयों जाना हो गया व्यर्थ हमें पता होता कि दूसरा स्कूल आने का ही नहीं हमारे से लड़ाई करना है बैडमिंटन में तो हम जाते ही ना भाई लेकिन कोई नहीं जैसी प्रभु राम की इच्छा तो अब जा रहे हैं रामलीला में आपको भी दिलाएंगे आनंद अंदर का आप भी देखना हम भी देखेंगे। जी माता जी सब कुशल से है परंतु अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा इतनी लंबी यात्रा करके आए हो थोड़ी यात्रा की थकान उतारो फिर धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी मेरी थकान तो तब दूर होगी जब मुझे पिताजी के दर्शन होंगे। बेटा पहले कुछ खा पी लो फिर धीरे धीरे सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? आप कहती हैं धीरे धीरे सब बता दूंगी आखिर ये मामला क्या है? बेटा कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है जो बात आप करती हैं उलझी सी है जो प्रश्न मैं करता हूँ उसका उल्टा ही जवाब मिलता है। ना जाने यह धीरे धीरे किस बला का नाम है। ओ बेटा तुम तो ननिहाल में जाकर बहुत ही जल्दबाज हो गई। कह तो रही हूँ धीरे धीरे सब बता। क्या खाक बतारेगी आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर कौन सा जाल बिछाया है। तू गया तुम्हें जल्दी बुलाया है और आपने धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? बेटा कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। देखो लक्ष्मण देखो बहन को बेचारा बहन को बेचारा नंगे पांव ही जमता हुआ आ रहा है।
भैया राम ऐसा लग रही है, ऐसे लग रही है टाटा एस और डीसीएम की भिड़ंत। डी बाबू डी बाबू तो राज्य आज की लीला के बाद घर की ओर प्रस्थान हो रहा है और काफ़ी सुंदर लीला थी आज की, जो भरत जी का प्रसंग था और वो लेकर जा रहे थे भगवान श्री राम के, खड़ा हुआ अपने सिर पर, तो आज हमें भी लेकर जाने को कुछ मिला घर पे, हम भी प्रसाद स्वरूप समझकर घर ले जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करेंगे हम, तो आप हमारी भावनाओं को समझें। अभी मैं स्वरूप के अंतर्गत आपको कोई बात कह रहा हूँ तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब व्लॉग को लाइक कमेंट करो, जरा इसको शेयर करो, आपको अत्यंत आनंद आएगा रोज डेली व्लॉग में। गुड नाइट।